शर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। महाराष्ट्र के टिटवाला बाल्यानी परिषद में एक बड़े गड्ढे में डूबने से दो किशोरों की मौत होने की घटना प्रकाश में आई है। पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए कल्याण रुकमणी बाई अस्पताल में भेज दिया। टिटवाला के नजदीक बाल्यानी नादब गाँव के यात्री सोसाइटी के दो बच्चे स्कूल से आने के बाद खेल रहे थे। इसी समय पास ही खेत में बने एक बड़े गड्ढे में, जिसमें की बारिश का पानी जमा हुआ था, उसमें नहाने के लिए चले गए। गहराई का अंदाजा न होने के कारण दोनों बच्चे पानी में डूब गए। पता चलने पर उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल टिटवाला पुलिस ने मौके पर मुआयना करके अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं लोगों के मुताबिक यह गड्ढा चाल माफिया और मिट्टी माफिया के खोदने की वजह से बड़ा गड्ढा होने के कारण इस गड्ढे में बारिश का पानी भरा पड़ा था, जिसमें इन दो नन्हे बालक की जान चली गई। पेश है कल्याण से सुनील शर्मा की एक खास रिपोर्ट। बल्यानी के पास नांदब गाँव है, नांदब गाँव के एरिया में जो बल्यानी टिकड़ी से ऊपर से पानी आके छोटे मोटे खड्डा बन गई है पानी के। तो बच्चे स्कूल एलएन स्कूल है, एलएन स्कूल के दो बच्चे मयंक सुनील शर्मा और पीयूष पाठक, उनकी उम्र है 12 से 13 साल की उम्र है, सातवीं कक्षा में पढ़ते हैं। वो स्कूल से घर जाते वक्त वो पानी में शायद खेल रहे थे, या उसका खेल उसको पानी का उनको अंदाज नहीं आया और वो दोनों डूब गए। तो उसका इंक्वायरी कर रहे हैं कि उसके में कुछ कंप्लेन मिलता है या कुछ उसको खोदा गया है, नेचुरल है। जैसा उसका आगे इन्वेस्टिगेशन होगा वैसा एक्शन लिया जाएगा।